आज हम पहुंचे हैं एमपी नगर गोयल निकेत में। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इंडियन प्रेस काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश सक्सेना जी से, जो एक नए चैनल के साथ आज शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन 24 न्यूज से। और यहाँ काफी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं और प्रकाश सक्सेना जी से भी रूबरू कराते हैं। और आइए जानते हैं कि वो चैनल को कहां से कहां तक ले जाएंगे और शुरुआत कहां से कहां तक होगी उनकी और ये चैनल कहां तक जाएगा। तो प्रकाश सक्सेना जी से एक खास थोड़ा सा देख इधर देखो है। बहुत खुशी और गर्व की बात है, आज जो इंडियन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं हमारे श्रीमान सक्सेना जी, तो आज बहुत बड़ी पहल करने जा रहे हैं। वो एक चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन 24 न्यूज। तो आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। तो अक्सर साहब ये बताइए कि ये जो आप लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, ये जो अपना चैनल है वो भोपाल तक सीमित रहेगा, पूरा ऑल इंडिया चलेगा? देखिए, जब प्रेस काउंसिल की शुरुआत की थी वो भी ऑल ओवर इंडिया में, आज हम भारत के 21 प्रदेशों में और दुनिया के 7 देशों में हमारा संगठन काम कर रहा है और हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो समाज की कुरूतियों, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हमने इसका प्रथम प्रयास किया है कि हम इन कुरूतियों को, इन बुराइयों को दूर करने के लिए किस माध्यम से हम लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। अपने जो टुडेज इंडियन मैगजीन थी उसको कितना समय हुआ है चालू? 1998 से अपनी मैगजीन कंटिन्यू। तो उस टाइम से लेकर आपने काफ़ी मेहनत की और अपना पेपर भी रहा टुडेज इंडियन के नाम से, तो आपने दिल में कैसे आई अपन के अब ये चैनल चालू करें? और ये जो चैनल चालू हो रहा है तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदुस्तान को, और जो आज के माहौल चल रहा है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, आज हम जो अभी तक प्रिंट मीडिया में थे, जो मासिक पत्रिका और साप्ताहिक अखबार के माध्यम से हम जो प्रचार करना चाहते थे, जो हम समाज को सिखाना चाहते थे, मगर वो एक दायरा सीमित हो जाता है और हम सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम आ गया है और यूट्यूब, फेसबुक, ऐप चैनल, इनके माध्यम से हम समाज के हर कोने तक पहुँच जाएंगे, एक एक ग्राम तहसील स्तर पर हम अंदर तक पहुँच जाएंगे और हम हर एक आदमी की समस्या को समाज के सामने लाना चाहते हैं और उसको जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसकी लॉन्च की। अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ और वो ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये मेरे बड़े भाई हैं। वो आपने जो शब्द बोले तो उसके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, ये बड़े भाई और छोटे भाई की कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमको पूरे हिंदुस्तान से लड़ना है और पूरे हिंदुस्तान को हमें बताना है कि करप्शन इस देश में नहीं चलेगा और करप्शन के लिए लड़ने के लिए ये न्यूज चैनल शुरू किया गया है और उसके लिए सभी भारतवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई किसी भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे फोन करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, हम आपका उसका सॉल्यूशन करने की प्रयास करेंगे। हमारा स्लोगन है, जो करता वरता जा रहे वो देश का गद्दार है, इसकी सूचना हमें दी। तो ये हमारे सक्सेना साहब जी थे और माशाल्लाह मालिक ने
बहुत ही मेहनत की है इन्होंने और यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम भी दिल से दुआ करेंगे कि ये चैनल बहुत आगे जाए और समाज को जो हम दिखाना चाहते हैं वही समाज देखने को भी बिल्कुल तैयार है कि आज के जो हालत है, आज की जो परेशानियाँ चल रही हैं, तो इंडिया इंडियन 24 न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँचेगा और ये आपको समाज की हर जानकारी आपको देगा। मेरी लाइफ ओके के साथ शुरू से और बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां रही, और मैंने शुरू में भी आशीर्वाद दिया था और आज भी कहता हूं कि ये बहुत आगे बढ़े और बहुत आगे तक। लाइफ ओके जो है बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत अच्छा चैनल है, और प्रकाश भाई की भी शुभकामनाएं, हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, भाई को और आगे बढ़ाए। और इनने हमारे सब पे हाथ रखा, मैं इनको हमेशा माँ बाप की जगह देती हूँ और ये मेरे गुरु जी हैं, मैं इनके लक्ष्य कदम पे चल चल के इसने न्यूज़ चैनल को बहुत ही आगे तक लेके जाना चाहती हूँ। मेरे को सबको आशीर्वाद चाहिए कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है और हम सब इसको आगे बढ़ाएं। अभी आप न्यूज़ चैनल में क्या देख रहे हैं? मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ, मैनेजमेंट देख रही हूँ। तो खाली मैनेजमेंट देखेंगे या आप इंटरव्यू भी करेंगे, आप जाएंगे? हाँ जाएंगे भी, तो सर बताएंगे, वो सारे काम मैनेजमेंट में आते हैं, वो सब करेंगे। सक्सेना जी की तरफ से हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि हम उनके लक्ष्य कदम पे आगे बढ़ें। पे क्या बोलना चाहेंगे? रखा गया है और लॉन्चिंग बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, इसके बारे में आप सर? एक्चुअली देखा ये गया है कि ज़्यादातर आजकल आप अगर आप मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो सर आजकल सोशल का ज़माना है। अगर मैं सोशल की बात करूं, सपोज़ कि अगर मैं सुबह उठता हूं तो पहले मैं अखबार नहीं पकड़ूंगा, पहले मैं पकड़ूंगा। तो आजकल जो सोशल के माध्यम से, जैसे कि हमारा मैगजीन है और हमारा न्यूज़पेपर चल चुका है, लेकिन हम सोशल के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादातर लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में हिंदू मुसलमान या कोई भी क्या राजनीतिक तत्व कुछ भी लोगों के दिलों में क्या कहीं ना कहीं मोटाव लेके आ रहे हैं। तो हमारी बस यही कोशिश है कि हमारे जो सीनियर सर हैं, हमारी बस यही कोशिश है हम लोगों को अच्छे से अच्छे आगे बढ़ाएं और जागरूक करें।